everyone, welcome back to my channel Life and Makeup once again with your Sunny. And today's video is quite different. Aapko title dekh ke pata chal hi gaya hoga ki this is the first time ever I'm going to share my empties with you. Ye mere channel mein first time hai and it will be a little bit longer video क्योंकि मैं last 2 months से जो products use कर चुकी हूँ और जो अभी ख़त्म हो गया है वो सब empties मुझे आपके साथ थोड़ा share करना है. every products के मैं थोड़ा थोड़ा touch-up mini review आपको दे दूँगी क्योंकि मुझे लगा कि मैं जो products use करके satisfied हुई हूँ, जो मुझे लग रहा है कि मैं repurchase करूँगी मैं उसे ही आपको recommend करूँगी और जो मुझे लग रहा है कि नहीं मुझे regret हुई है मैं अपने पैसे से मेरे products खरीदती हूँ को मेरा video कोई sponsored नहीं होती है तो इसलिए मेरा reviews भी totally honest होगी. तो मैं जिसे कहूँगी कि no this products मेरे लिए ठीक नहीं लगा और मैं आपके लिए भी suggest नहीं करूँगी जो products मुझे ठीक नहीं लगा मैं उसको आपको कभी भी recommend नहीं करूँगी. but हाँ it's up to you, ये आपकी मर्जी है आप वो product खरीदेंगे कि नहीं. मैं उसके बारे में थोड़ा सा details भी आपको share कर दूँगी आपके साथ इसलिए ये video बहुत useful होने वाला है. तो ये video आपको end तक देखनी पड़ेगी otherwise आपको समझ में नहीं आएगी मेरे पास कितना products है मैं आपको वो products recommend करूँगी कि नहीं. तो मेक श्योर आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन भी क्लिक कर लीजिए ताकि ऐसा मेरे बहुत वीडियो आने वाला है आपको आपके पास वो नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा. और एंड तक वीडियो देखने के बाद थोड़ी सी भी यूज़फुल लगे तो डियर प्लीज़ लाइक बटन भी प्रेस कर दीजिएगा और मेरे वीडियो शेयर कर दीजिएगा आपके फ्रेंड्स के साथ. तो चलिए थोड़ा लेंथी वीडियो होगा तो अभी स्टार्ट कर देते हैं. Okay dear, so this is the bag. Actually you can see a lot of products. यहाँ पे स्किन केयर मेकअप हेयर केयर सभी प्रोडक्ट्स है तो मैं इसे आपके साथ शेयर करूँगी एक बाई एक. आई मीन ये रैंडमली मैं शेयर करूँगी जैसे कि फर्स्ट जो मेरे हाथ में आया है दिस इज़ द गुड वाइब्स कॉफ़ी ऑयल कंट्रोल फेस वॉश. यू कैन सी इट्स अ गुड फेस वॉश. फर्स्ट ऑफ ऑल इसका प्राइस है 175 और पर्पल में हमेशा डील में मिलती है 140-150 में आपको ये आराम से मिल जाएगी. ये टोटली ऑयल कंट्रोल फेस वॉश है बट पर्सनली मैं अगर कहूँ तो इसमें कोई ऑयल कंट्रोल नहीं होती है. दिस इज़ द नॉर्मल फेस वॉश और इसमें फोम होती है डेफिनेटली. इसका फ्रेग्रेंस टोटल ओवर पावरिंग है. लिटिल बिट ज़्यादा कॉफ़ी जो कॉफ़ी लवर है उनके लिए दिस इज़ द परफेक्ट स्मेल. अदरवाइज बहुत लोगों को ये पसंद नहीं भी हो सकती है क्योंकि बहुत ही ओवर पावरिंग स्मेल है. स्मेल मुझे उतना अच्छा नहीं लगा. आई मीन कॉफ़ी का स्मेल अच्छी है बहुत ही ओवर पावरिंग है इसलिए मैं उतना आपको रिकमेंड नहीं करूँगी. आपका बहुत ही सेंसिटिव नोज़ है तो. और ये आप अगर कोई एक्ने वॉश या ऑयल कंट्रोल के लिए ये फेस वॉश खरीदना चाहते हो तो इट विल नेवर वर्क फॉर यू. ओके माई नेक्स्ट वन इज़ प्लम ग्रीन टी पोर क्लेंजिंग फेस वॉश. इसकी प्राइस है प्लम के बारे में तो सब कोई जानती है इट्स अ वेरी गुड ब्रांड 75 ml की है. इसका प्राइस है 345. मैंने इसे डिस्काउंट में परचेस की थी 290 अराउंड ऐसा कुछ होगा और इसका शेल्फ लाइफ भी 2 ईयर्स है. बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है ये एक्ने प्रॉन स्किन ऑयली कम्बिनेशन स्किन के लिए है. दिस इज़ द 100% वेगन एंड नॉट टेस्टेड ऑन एनिमल. ये क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्ट टोटली ख़त्म हो चुका है. मेरा ट्यूब टोटली एम्प्टी हो चुकी है. दिस इज़ माई ट्यूब ये टोटली ख़त्म हो चुका है. इसका स्मेल बहुत ही एक सूदिंग कमिंग टाइप का स्मेल है और इसके अंदर थोड़ा सा आपको ग्रीन टाइप्स का बीट्स दिखेगा एंड वो बीट्स मे बी फॉर ग्रीन टी पर्पस है. तो कोई ग्रीन टी का ऐसा मुझे स्मेल नहीं लगा. वेरी लाइट ग्रीन टी स्मेल. तो ये सेंसिटिव नोज वाले आप लोग जो होते हैं जिनके फ्रेग्रेंस में एलर्जी है आराम से इसे यूज़ कर सकते हैं. इट्स अ वेरी माइल्ड एंड जेंटल जेल बेस्ड क्लेंजर. बहुत ही लिटिल बिट बहुत ही कम फोम होती है. ज़्यादा सूदिंग माइल्ड फेस वॉश जो ओवर पावरिंग फ्रेग्रेंस नहीं है जिसमें वो अगर 100% वेगन एक अच्छे ब्रांड का यूज़ करना चाहते हो तो यू कैन गो विथ दिस. माई नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ फ्रॉम काया डेली पोर मिनिमाइजिंग टोनर. ये शायद मैंने आपके साथ शेयर की थी मेरा जो स्किन केयर रूटीन था नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन. इट्स अ वेरी 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 गुड प्रोडक्ट हाईली रिकमेंडेड प्रोडक्ट. मैं इसे रिपर्चेज भी करूँगी और आपको भी रिकमेंड करूँगी इफ़ यू हैव ऑयली सेंसिटिव
acne prone skin, if you have bigger, larger open pores, try it once. Aap bhi ise repurchase karenge. Because it's really miraculous toner, ye effective hai aapke open pores ke upar. Maise 2 months use kiya aur mujhe personally laga ki mera open pores thoda sa minimize hua hai. Open pores is highly recommended. Aap ise purchase kar sakte hai. 200 ml ki hai aur iska price hai 440. Ye bhi Kaya ka product hamesha 20-25% off mein Nykaa mein mil jati hai. Tab agar ise aap purchase karoge to ye aapko budget friendly bhi ho jayega. Iska fragrance bhi बहुत soothing है, different है and one more thing, it's an alcohol free toner. इसमें cucumber extract and witch hazel है. It's a good, very good toner for every day. Okay, मेरा next product है this one from Olay microsculpting cream moisturizer SPF 30. मैं इसके ऊपर मेरा स्किन केयर वीडियो भी बना चुकी हूँ, नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन फॉर मैच्योर स्किन. आपने अभी तक वो नहीं देखा तो प्लीज़ जाके एक बार चेक कर लीजिए. दिस प्रोडक्ट इज़ वेरी वेरी गुड, वेरी इफेक्टिव फॉर डेफिनेटली ड्राई स्किन. इफ़ यू हैव ऑयली स्किन, सेंसिटिव स्किन, प्लीज़ डोंट गो विद दिस. मेरा तो ये रिकमेंड मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगी ऑयली स्किन वालों को, क्योंकि स्किन में बहुत ज़्यादा शाइन क्रिएट करती है, स्पेशली डे टाइम मानसून में या समर में. तो नेवर एवर गो विथ दिस. आप विंटर में ट्राई कर सकते हो. आई डोंट नो, मैं विंटर में तो नहीं इसे ट्राई किया, बट मैं इसे समर में ह्यूमिड वेदर में मानसून में ट्राई किया तो मुझे बहुत ही मॉर्निंग टाइम में ऑयल सिक्रेशन हुई थी. तो मैं इसे तो रिपर्चेस नहीं करूँगी, स्पेशली समर में या मानसून में. बट विंटर में मे बी आई विल ट्राई, तब अगर मुझे ठीक लगा तो मैं इसे आपको रिकमेंड करूँगी. बट ड्राई स्किन वाले, जिसका बहुत ही स्ट्रेची हो जाती है स्किन आफ्टर फेस वॉशिंग मॉर्निंग में, समर में, विंटर में, सब टाइम थ्रू आउट द ईयर जिसकी स्किन बहुत ही ड्राई एंड स्ट्रेची हो जाती है, डे टाइम के लिए दिस द परफेक्ट डे क्रीम. एंटी एजिंग भी है, एसपीएफ भी है और ये लिटिल बिट प्राइजियर है. तो आप 50 ग्राम्स का प्रोडक्ट आपको मिलेगा, इसका प्राइस है 1699. ये मुझे 1200 अराउंड या 1300 अराउंड मिली थी. इसमें बहुत सारे डील मिलती है नायका में, आपको अगर परचेस करना है अमेजन में नायका में आपको डील मिल जाएगी. यू कैन गो विथ दिस. My another product is from Lotus White Glow Skin Whitening and Brightening Hand and Body Lotion SPF 25 PA Triple Plus for soft, fair and radiant skin. It's for all skin types. It's a very very it's a very good moisturizer, body lotion, whatever you can say. ये अच्छा सा मॉइस्चराइजेशन हाइड्रेशन भी प्रोवाइड करती है, बट कोई ओवर हेवीनेस या स्टिकीनेस ग्रीसीनेस भी नहीं देती है. इट्स अ वेरी गुड बॉडी लोशन. मैं इसे समर में यूज़ कर चुकी हूँ क्योंकि मेरा बॉडी स्किन एंड फेस स्किन लिटिल बिट डिफरेंस. स्किन में, फेस में जितना ऑयल होती है ड्राई होती है मेरी बॉडी स्किन, तो इसलिए मैं थ्रू आउट द ईयर मैं कोई ना कोई बॉडी लोशन यूज़ करती हूँ. तो मुझे ये बहुत ही इफेक्टिव लगा. फेयरनेस की बात मैं नहीं करूँगी क्योंकि पर्सनली आई डोंट नो व्हाई, मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई भी प्रोडक्ट ऐसा कुछ फेयरनेस आपको नहीं दे सकता है. टैन रिमूविंग के लिए मुझे उतना कुछ फ़र्क नहीं दिखा टैन, बट ये एज अ हाइड्रेशन मॉइस्चराइजेशन आप समर में मानसून में आंखें बंद करके यूज़ कर सकते हो और विंटर में भी जाएगा आपका अगर बहुत ड्राई नहीं स्किन हो तो. तो यू कैन ट्राई इट. लोटस में कभी डिस्काउंट मिले तो यू कैन ट्राई इट. ओके, माय नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ फ्रॉम गार्नियर माइशेला वाटर ऑयल इन्फ्यूज़ क्लेंजिंग वाटर. आई एम यूजिंग दिस फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. जब से गार्नियर का माइशेला वाटर लॉन्च हुई है मैं तब से इसे यूज़ कर रही हूँ. दिस अ हाईली 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 रिकमेंडेड प्रोडक्ट हर टाइप का स्किन में, सेंसिटिव आँख हो या सेंसिटिव स्किन हो, ऑयली एक्ने प्रोन स्किन हो, ड्राई स्किन हो, सभी स्किन वाले इसे यूज़ कर सकते हो. और जितना भी चाहे आप वाटरप्रूफ मेकअप क्यों ना यूज़ करो, इजीली रिमूव हो जाती है और बहुत ही इफेक्टिव है और बजट फ्रेंडली भी है. बहुत अच्छे डिस्काउंट में मिलती है हर जगह पे, अमेजन, नायका, जहाँ पे भी आप जाओ. 125 ml की है और इसकी प्राइस है 225. आपको ये बहुत डिस्काउंट में भी मिलेगी. कभी कभी एक कॉम्बो आती है कॉटन पैड के साथ, वो भी मिल जाएगी. तो इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट, यू कैन ट्राई इट. ओके, माय नेक्स्ट प्रोडक्ट इज अ ड्यूरोनेट स्प्रे, डिओ स्प्रे फ्रॉम लुमानी. ये मैंने अमेजन से परचेस की थी और इसकी फ्रेग्रेंस बहुत 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 स्वीट है, बहुत
बहुत प्यारा स्मेल है, बट ये लॉन्ग लास्टिंग बिल्कुल भी नहीं है. आप अगर बाहर में बहुत ज़्यादा काम करते हो या कॉलेज जाते हो या 9 to 5 आपको जॉब है, बहुत ही बाहर घूमना पड़ता है, स्वेट की इशू है, एक अच्छा लॉन्ग लास्टिंग डियो अगर ढूंढ रहे हैं तो डियर ये बहुत बजट फ्रेंडली है, अमेजन में काफ़ी डिस्काउंट में मिल जाते हैं. आप अगर सोच रहे हो उसे खरीदोगे तो लॉन्ग लास्टिंग ये बिल्कुल नहीं है, इसलिए मैं इसे आपको सजेस्ट नहीं करूँगी खरीदने के लिए. आप घर पर रहते हो या रिलैक्सिंग के लिए यू कैन ट्राई इट. 200 ml की है और मुझे यहाँ पे इसके प्राइस नहीं मिल रही है, मैं प्राइस नीचे आपको दे दूँगी. ये मुझे बहुत ही कम प्राइस में मिली थी, बहुत ही अफोर्डेबल बॉडी स्प्रे है. नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ फ्रॉम गुड वाइब्स, अनदर गुड वाइब्स प्रोडक्ट, दिस इज शिया बटर मॉइस्चराइजिंग डीप मॉइस्चराइजिंग बॉडी लोशन. इसकी भी है नो पैराबेंस, 200 ml की बॉटल है ये. इसकी प्राइस है 195, ये मुझे 155 और 145 अराउंड मिली थी. इट्स अनदर अ गुड बॉडी लोशन, इट्स अ वेरी मॉइस्चराइजिंग. अब मैं इसे नाइट टाइम यूज़ करती थी, आप चाहो तो आफ्टर बाथ या बिफोर गोइंग टू बेड, वेन एवर यू कैन यूज़ इट. इफ़ यू हैव वेरी ड्राई स्किन तो इट्स अ हाईली रिकमेंडेड प्रोडक्ट. बहुत स्वेट होती है, बहुत ऑयल सिक्रेशन होती है, तो डे टाइम इसे बिल्कुल भी यूज़ मत कीजिएगा. एसी में रहते हो तो बिफोर गोइंग टू बेड यू कैन ट्राई इट. ये बहुत ही हाइड्रेटेड रखती है स्किन को. आप अगर रात को यूज़ करो तो मॉर्निंग तक भी आपके स्किन बहुत ही पैम्परिंग एंड बहुत ही सॉफ्ट लगेगा. तो यू कैन ट्राई इट, इज़ अ पंप बॉटल है, ईजी टू यूज़ एंड फ्रेगरेंस भी बहुत ही अच्छी है, तो यू कैन ट्राई इट. कि मैं अनदर प्रोडक्ट इसके ऊपर मैं वीडियो कर चुकी हूँ ऑलरेडी, मेरा हेयर केयर वीडियो फॉर डैंड्रफ एंड फॉर रिबॉन्डेड कलर ट्रीटेड हेयर की जो वीडियो बनाई है. अभी तक अपने नहीं देखी है तो प्लीज़ डियर जाके वो चेक कर लीजिए, बहुत ही यूज़फुल वीडियोज़ है. एंड ये है फ्रॉम पॉजिटिव रूट थेरेपी अल्ट्रा हाई पोटेंसी कैस्टर ऑयल बूस्ट हेयर ग्रोथ एंड ऑर्गेनिक कोल्ड प्रेस्ड प्योर अनरिफाइंड नेचुरल एक GMO फ्री है ये कैस्टर ऑयल और ये 200 ml की है. इसमें बहुत सारा बेनिफिट्स मिलती है, डेफिनेटली हाईली रिकमेंडेड प्रोडक्ट है. मैं इसे रिपर्चेस तो करूँगी इसलिए मैं रिकमेंड करूँगी. जो प्रोडक्ट्स मुझे लगता है मैं डेफिनेटली अगेन एंड अगेन रिपर्चेस करूँगी, वही मैं आपको रिकमेंड करूँगी. क्योंकि ये वाला कैस्टर ऑयल बहुत ही इफेक्टिव है फॉर हेयर ग्रोथ. यहाँ पे मेरा थोड़ा सा हल्का सा डैंड्रफ की वजह से बॉल स्पॉट्स आई थी, बट नाउ इसे यूज़ करते हुए मेरा थोड़ा सा हेयर ग्रोथ हुई है, आईब्रोज में भी काफ़ी फ़र्क आती है इससे. और ये फॉर ये प्रोमोस हेयर ग्रोथ रिड्यूसिंग थिन हेयर हेयर थिनिंग सॉरी रिड्यूसेस हेयर थिनिंग इम्प्रूव स्किन टेक्सचर एंड प्योर एंड अनरिफाइंड है. जब भी आप कोई कैस्टर ऑयल लो या कोकोनट ऑयल हो मेक श्योर वो कोल्ड प्रेस्ड एंड अनरिफाइंड हो, वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है, कोई मिलावट नहीं होती है उसमें एंड रियली इट्स वेरी इफेक्टिव प्रोडक्ट. और इसकी प्राइस है 500, मैं इसे 350 ऐसा 390 अराउंड खरीदी थी, अमेजन से ली थी मैंने, बहुत अच्छे खासे डील में मिल जाती है वो. यू मे ट्राई इट. अनदर प्रोडक्ट फ्रॉम ओले द सेम रेंज, मैंने मेरा वो वीडियो में शेयर की थी. आई हैव दिस वन ऑल्सो, इज अ नाइट क्रीम, एज अ नाइट क्रीम आई हैव यूज्ड इट एंड दिस इज़ फ्रॉम ओले रीजनरिस्ट माइक्रोस्कल्टिंग क्रीम मॉइस्चराइजर. 50 ग्राम्स की है प्रोडक्ट. इसकी प्राइस भी 1699 है, ये भी थोड़ा प्राइजी है, बट ये भी मुझे 1200 या 1300 अराउंड मिली थी. बहुत ही अच्छी सी थिक क्रीम है, यू कैन सी टोटली मैंने इसे यूज़ कर ली. बिकॉज एज ए नाइट क्रीम दिस अ वंडरफुल क्रीम फॉर ऑल स्किन टाइप्स. आई एम नॉट रिकमेंडिंग दिस टू अ एक्ने प्रोन. माई सीवियर एक्ने है, बहुत ही ऑयल सिक्रेशन होती है, तो मैं इसे रिकमेंड नहीं करूँगी. और टीनेजर को भी मैं इसे रिकमेंड नहीं करूँगी. आप अगर 25 या 26 प्लस है, आपकी स्किन बहुत ही ड्राई हो रही है, अर्ली जो आपका जो एजिंग साइन है जैसे कि फाइन लाइंस या कुछ ड्राइनेस पैचीनेस ऐसा हो रहा है, तो यू कैन ट्राई इट. फ्रॉम माय नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ फ्रॉम मेबलिन सुपर फ्रेश कॉम्पैक्ट, इस SPF 28 पर्ल है. मेरी शेड है फेयर टू मीडियम स्किन पर्ल. ये व्हाइट ये 12 आवर व्हाइटनिंग प्लस फ्रेशनेस कॉम्पैक्ट है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड एंड इट्स अ वेरी गुड कॉम्पैक्ट, लॉन्ग लास्टिंग है. इसकी प्राइस है 160, मुझे 120 में मिल गई थी. मेबलिन में बहुत डील मिलती है, नाइका में या अमेजोन में, यू कैन ट्राई इट. ये जो कॉलेज गोइंग गर्ल है या आप अगर 9 to 5 ऑफिस जॉब करते हो, बहुत बाहर रहना पड़ता है, आप ये टचअप भी कर सकते हो, आपके पर्स में भी रख सकते हो. इट्स वेरी ट्रैवल फ्रेंडली, वेरी अफोर्डेबल, इजीली अवेलेबल एंड आपकी स्किन बहुत देर तक मैटिफाई भी करती है. ये है मेरा कॉम्पैक्ट,
यू कैन सी कि मैं इसे पूरा खाली कर चुकी हूँ. इसमें एक मिरर आती है लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मिरर ज़्यादा देर तक नहीं टिकती है. इसका पैकेजिंग मुझे थोड़ा सा चीप लगती है. काफ़ी हद तक काफ़ी टाइम इसका लीड टूट जाती है नहीं तो मिरर टूट जाते हैं. तो मेक श्योर आप ट्रैवल करने के टाइम पे थोड़ा सा इसे ध्यान से यूज़ कीजिएगा. और ये बहुत ही अफोर्डेबल है, 8 ग्राम है इसकी क्वान्टिटी, तो यू कैन ट्राई इट. ओके, दिस इज़ अ परफ्यूम. ये है फ्रॉम वाइल्ड स्टोन, आई हैव यूज्ड इट एंड ये 299 का है, 50 ml, बहुत ही अफोर्डेबल है. एंड दिस इज़ अ वेरी लॉन्ग लास्टिंग एंड वेरी सूदिंग एंड वेरी क्यूट टाइप का एक स्मेल है. आई कांट एक्सप्लेन यू, बहुत ही अच्छा फ्रेगरेंस है. आप अगर बजट में कोई अच्छा फ्रेगरेंस वाला परफ्यूम ढूंढ रहे हो तो आई कैन सजेस्ट यू. इट्स अ वेरी गुड फ्रॉम वाइल्ड स्टोन हाइड्रा एनर्जी. वाइल्ड स्टोन का बहुत सारा वेरिएशन आती है तो दिस इज़ द हाइड्रा एनर्जी आपको दिखेगा. दिस इज़ द ग्रीन कलर पैकेजिंग है इसकी. तो ये आप अगर एक टाइम ट्राई करना चाहते हो तो यू कैन ट्राई इट. इसका लॉन्ग लास्टिंग है, फ्रेगरेंस भी बहुत अच्छा है. एक रोल ऑन, ये दिस इज़ द वेरिएशन इज़ इंग्लिश लेवेंडर और ये एंटी परस्पिरेंट है, अल्कोहल फ्री है, 48 आवर्स इफेक्ट करेगा आपके स्किन में. बहुत ही सूदिंग है अंडर आर्म के लिए. हम लोग जानते हैं कि जैसे कि समर में, विंटर में, मानसून में स्पेशली जो स्वेट जिनका ज़्यादा होती है, जो ज़्यादा आउटसाइड में रहते हैं, स्कूल कॉलेज जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, दिस इज़ द अल्टीमेट प्रोडक्ट फॉर हिम और हर. ये बोथ यूज़ कर सकते हैं लेडीज़ एंड जेंट्स. इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट. इसका फ्रेगरेंस बहुत ही सूदिंग है. ये ऐसा रोल ऑन टाइप का है, आप अंडर आर्म में यूज़ कर सकते हो या जो जो बॉडी पार्ट में आपका ज़्यादा स्वेट होती है यू कैन यूज़ इट. इट्स एंटी परस्पिरेंट, मतलब है आपका कोई भी ईचिंग इरिटेशन आपके अंडर आर्म्स में नहीं होती. जिसके बहुत ही सेंसिटिव स्किन है यू कैन ट्राई इट वंस. आप रिग्रेट नहीं करोगे, आप इसे रिपर्चेस करोगे. बिकॉज मैं कंटिन्यूअसली ईयरली का बहुत सारा वेरिएशन है ग्रेट टाइप का मेरे पास है भी शायद. 1 मिनट, या आई हैव अनदर वन. इसका और एक वेरिएशन है, दिस इज़ फ्रॉम रॉयल बुके एंड ये भी अल्कोहल फ्री है. द सेम है, इसका सब कुछ सेम है, इन्ग्रीडियंट्स एंड एवरीथिंग, सिर्फ फ्रेगरेंस डिफरेंट है. एंड आउटसाइड कलर आपको ये लैवेंडर टाइप का है, ये आपको लिटिल बिट कोरल टाइप का कलर, कोरल पीच टाइप का शेड है. बोथ स्मेल बहुत ही ब्यूटीफुल है. मुझे ये लैवेंडर वाला ज़्यादा अच्छा लगा, हाईली रिकमेंडेड. ओके, मेरा अनदर प्रोडक्ट है फ्रॉम दिस नीम प्यूरिफाइंग फेस वॉश फ्रॉम हिमालया, प्रिवेंट्स पिंपल्स. एंड आप देख रहे हो पूरा का पूरा ये खाली हो चुका है. लिटिल बिट इसमें कुछ रह गया रेस्ट्यू, आई डोंट नो. 300 ml की है, बहुत ही बजट फ्रेंडली है. 270 का है, मुझे ये 200 अराउंड मिली थी. दिस इज़ द पैकेजिंग, ए वेरी लॉन्ग बॉटल, आई मीन इसमें फ्लिप कैप है. और ये बॉटल ट्रैवल फ्रेंडली उतनी नहीं है, आई मीन यू कैन कैरी इट बट एट योर ओन रिस्क. बट घर में रहने के लिए दिस इज़ अ वेरी बजट फ्रेंडली. आप इसे बहुत 2 महीने तक आराम से आप अगर खुद यूज़ करोगे, 1 टाइम या 2 टू 2 टाइम्स अ डे आप यूज़ करते हो तो आराम से इसे आप यूज़ कर सकते हो. 2 मंथ्स तक ये आराम से चला जाएगा. ये पिंपल कितना कंट्रोल करता है मुझे पता नहीं, बट पिंपल नहीं होती है. आई कैन से दैट जो पिंपल है उसे तो मिनिमाइज मैंने करते हुए नहीं देखा है, बट ब्रेकआउट्स आपको नहीं होती है. आई कैन से दैट स्किन में एक अच्छा सा डीप क्लीनिंग सब फील होती है. जेल बेस्ड क्लेंजर है, बहुत ही माइल्ड है, सूदिंग एक फ्रेगरेंस है. आप टीनेजर हो तो ये हाईली रिकमेंडेड है और अदर्स आपका एडल्ट एक्ने की इश्यू है तो यू कैन ट्राई इट. कि माई अनदर प्रोडक्ट इज़ फ्रॉम बायोटिक बायो पपाया स्क्रब. मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुकी हूँ, कंपेरिजन वीडियो भी कर चुकी हूँ विथ खदी का जो स्क्रब है उसके साथ. इट्स अ वेरी 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 इफेक्टिव फॉर टैन रिमूविंग. मैंने आपको बोला था ना बॉडी टैन रिमूविंग के पता नहीं, बट फेस टैन रिमूव करता है दिस प्रोडक्ट. दिस इज़ अ वेरी गुड प्रोडक्ट. मैं इसको पूरा एम्प्टी कर चुकी हूँ. एंड डियर वन डिस्क्लेमर, ये सारा प्रोडक्ट्स मैं अपने खुद के पैसे से खरीदी हूँ, कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो ये नहीं है. इसलिए मैं इसे अच्छे तरीके से आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि ये प्रोडक्ट अब नहीं लो, ये प्रोडक्ट अब ले सकते हो. बिकॉज जो मुझे अच्छा लगा पर्सनली मैं इसलिए रिकमेंड करूँगी. यार ये प्रोडक्ट टीनेजर से लेके और मिड एज तक
ओल्डर एज तक आप अगर जितना भी एज हो आप इसे आराम से यूज़ कर सकते हो, लेडीज़ जेंट्स कोई भी यूज़ कर सकते हो, बिकॉज इससे हाईली रिकमेंडेड टैन रिमूविंग इफेक्टिव एंड 100% आयुर्वेदा जो होता है बायोटिक का वेरी ट्रस्टेड ब्रांड है, आप इसे आराम से यूज़ कर सकते हो। इसका फ्रॉम गुड वाइव्स अगेन इट्स अ फेस वॉश, इट्स अ वाइन फेस वॉश एंटी एजिंग एंड इसका भी 120 ml है और ये क्रुएल्टी फ्री नो पैराबेंस है इसकी इसमें लिखा हुआ है ये और 2 years है इसकी शेल्फ लाइफ और इसके प्राइस है 175 एंड दिस इज़ अ वेरी गुड फोमिंग टाइप का फेस वॉश, बहुत ही सूदिंग फ्रेग्रेंस है, प्योर जैसे वाइन का जो होती है ना वो एक ग्रेप जूस या वाइन ऐसा ही इसका फ्रेग्रेंस है, बट वो कॉफ़ी फेस वॉश के जैसा उतना ओवर पावरिंग नहीं है। मुझे ये फेस वॉश का स्मेल फ्रेग्रेंस बहुत ही बेटर लगा, बट ये एंटी एजिंग कितना करता है, आई कैन से कोई फेस वॉश ऐसा मिरेकल नहीं कर सकता, जस्ट वॉश आउट योर फाइन लाइंस एंड एज स्पॉट्स एंड प्रीमैच्योर एजिंग, या मैं इसमें बिलीव नहीं करती हूँ। मैं ऐसे ली थी फॉर वाइन कैसा होता है इसका फ्रेग्रेंस के लिए और जस्ट ऐसी कैजुअली मैंने ट्राई की थी गुड वाइब्स का फेस वॉश के ऊपर, उस टाइम बहुत डील चल रही थी अच्छी, तो मुझे ये वाला फेस वॉश अच्छा लगा। मैं मे बी नेक्स्ट टाइम परचेस कर सकती हूँ, आई कांट से, बट ये से खरीद के मैं रिग्रेट नहीं किया लाइक कॉफ़ी फेस वॉश, लेकिन ये एज अ डीप क्लेंजिंग फेस वॉश इज अ वेरी इफेक्टिव, कैन ट्राई इट वंस। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज फ्रॉम NYB, दिस इज अ माइशेलर वाटर एंड दिस इज टोटली रिग्रेट प्रोडक्ट, मैं इसे कभी भी किसी को रिकमेंड नहीं करूँगी। डियर आप अगर यूज़ करके सेटिस्फाइड हुई हो दैट्स डिफरेंट, मैं उसको कुछ नहीं बोलूँगी, इस पर्सनल पर्सन टू पर्सन वेरी करती है हर प्रोडक्ट्स के यूजेस, उसका रिव्यूज़, तो डोंट टेक मी रॉन्ग, आप अगर इसे यूज़ करके सेटिस्फाइड हुई तो प्लीज़ गो विथ दैट, बट मैं पर्सनली इसे कभी भी रिपर्चेस नहीं करूँगी, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जिसका सेंसिटिव आईज़ है, जो आँखों में थोड़ा सा भी कुछ गया तो सेंसिटिविटी क्रिएट होती है और फेस में भी एक्ने प्रोन स्किन है, तो मैं इसे बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे यूज़ करने के बाद बहुत सारा पिंपल्स की इशू हो गई, अभी अभी धीरे धीरे ये रिकवर हो रही है। आई में भी मैं अच्छे से इसे यूज़ नहीं कर पाती थी, जब भी आई में जाती थी मुझे आई इरीटेशन और रेडनेस होती थी। मैंने इसे छोटा वाला बॉटल लिया कि सोचा कि या दिस इज मे बी इट विल बी अ गुड ऑल्टरनेट और सब्सटीट्यूट ऑफ गार्निया माइशेलर वाटर, लिटिल बिट प्राइजियर दैट वन, ये उससे कम प्राइस में मिल जाएगा तो डेफिनेटली आई विल रिपर्चेज इट, बट मैं इसे कभी भी परचेस नहीं करूँगी। 50 ml की है, 125, मुझे ये 99 या 98 में मिली थी, बहुत ही सेल चल रही थी उस टाइम पे, तो इसमें लिखा तो है सूथ स्किन, नो रिंस, नो हार्श रबिंग, कंटेंट्स नो परफ्यूम एंड दिस क्लिंजर कम रिमूवर 2-in-1 है, और ये क्लीन करता है कुछ हद तक, लेकिन मुझे तो लग रहा कि ये कोई वाटरप्रूफ वाला जो आई मस्कारा है या लिक्विड लिपस्टिक है इसको अच्छे से क्लीन नहीं करता है, 2-3 बार आपको रब करना पड़ेगा बहुत ही रफली, और फेस में भी एक ड्राई सा एक इरिटेशन से फील होती है, तो मैं इसे कभी भी रिपर्चेस नहीं करूँगी। माई नेक्स्ट प्रोडक्ट इज फ्रॉम गुड वाइव्स अगेन, बिकॉज गुड वाइव्स का प्रोडक्ट बहुत ही अफोर्डेबल होती है और मैं बहुत दिनों से यूज़ कर रही हूँ, इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट, गुड ब्रांड एक्चुअली, पर्पल में ही सिर्फ अवेलेबल होती है, ये मैं ख़त्म कर चुकी हूँ, इसका टैग भी निकल चुकी है, मैं इसको आपके साथ शेयर भी कर चुकी हूँ मेरा वीडियो में, तो दिस इज़ द रोज हिप रेडियंट ग्लो फेस सीरम, मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाए रोज हिप फेस सीरम की यूजेस एंड हैक्स, आप प्लीज़ बहुत यूज़फुल वीडियो है, एक बार जाके वो चेक कर लीजिए मेरे चैनल में, और इसकी प्राइस है 215 और ये 2 years है, इसके शेल्फ डील में मिलती है, इतनी ब्यूटीफुल फेशियल ऑयल है, मैं फेशियल ऑयल यूज़ नहीं करती हूँ बिकॉज मेरा बहुत ही ऑयली स्किन है, एक्ने प्रोन स्किन हो जाती है, सेंसिटिव स्किन है, स्पेशली विंटर के अलावा तो मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ। मैं इस पर गुड वाइब्स का अर्गन ऑयल यूज़ की थी, वो भी विंटर में, दैट वॉज ऑल्सो वेरी गुड, लेकिन समर में ह्यूमिड वेदर में मैं कभी नहीं यूज़ करती हूँ, बट दिस वन सूट्स मी, आई मीन मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा, मैं इसे रिपर्चेज भी करूँगी, और दिस इज़ 10 ml प्रोडक्ट है, बहुत कम लगता है, ड्रॉपर में आती है, ईजी टू यूज़, इसका फ्रेग्रेंस भी बहुत ही लाइट है, एक रोज़ का एक बहुत ही जेंटल सा स्मेल है, आपका जो भी एज हो आप नाइट टाइम कुछ नहीं यूज़ करो तो सिर्फ आफ्टर क्लेंजिंग और टोनिंग ये यूज़ करके रह सकते हो तो आपका स्किन बहुत ही ग्लो करेगा, तो दिस इज़ ए हाईली रिकमेंडेड प्रोडक्ट, तो इट्स अ हाईली रिकमेंडेड अनदर फेस वॉश फॉर ऑल स्किन टाइप्स, स्पेशली
ऑयली एक्ने प्रोन सेंसिटिव स्किन जिसका बहुत ही डे टाइम में ऑयली सिक्रेशन होती है, जिसका नॉर्मल टू ड्राई स्किन है वो भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है तो उसके लिए मैं इसे रिकमेंड नहीं करूँगी। मे बी दे कैन फील अ लिटिल बिट स्ट्रेचीनेस, बट अदरवाइज इट्स अ वेरी गुड एंड वेरी ट्रस्टेड फेस वॉश। मैं न्यूट्रोजीना अब हमेशा रिकमेंड करूँगी, इसकी प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छी होती है। एंड दिस इज 100 ग्राम प्रोडक्ट्स है। इसकी प्राइस तो अभी दिखाई नहीं दे रही है, ये टोटली लाइट हो गई है इसका जो लिखा था यहाँ पे, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी। ये भी मुझे डिस्काउंट में मिली थी। इसका फ्रेग्रेंस भी बहुत सूदिंग है और बहुत ही फोमिंग टाइप का, एक फोम बेस्ड डीप क्लेंजिंग इफेक्ट आपको देगा, तो यू कैन ट्राई इट। माई अनदर प्रोडक्ट इज अ हेयर केयर प्रोडक्ट, इज अ शैम्पू फ्रॉम लोरियल एंड इज अ फाइटामिनो कलर शैम्पू फॉर कलर ट्रीटेड हेयर। बिकॉज मैं कलर करती हूँ तो आई नीड अ लिटिल बिट मोर एक्स्ट्रा केयर, तो इसलिए मैं ये परचेस की थी। दिस इज माई थर्ड बॉटल एक्चुअली आई हैव परचेस एंड इसकी प्राइस है 635। इसमें उतना डिस्काउंट नहीं मिलती है, अमेजन में फिर भी मिल जाती है, नायका में उतना डिस्काउंट नहीं मिलती है। तो इट्स अ वेरी गुड शैम्पू, वेरी मॉइस्चराइजिंग, ये आपको हेयर को सॉफ्ट भी करती है और कलर फेड नहीं होती है आई कैन से, बट लॉन्ग लास्टिंग नहीं करती है क्योंकि रूट से जितना भी निकलेगा तो वो निकलेगा कुछ फर्स्ट ऑफ ऑल, और सेकेंडली हेयर को बहुत ही सॉफ्ट एंड स्मूथ करती है और कलर फेड नहीं होती है। तो आपके रूट्स में जो आपका नेचुरल हेयर का ग्रोथ है वो तो निकलेगा ही यार, उसको कोई भी शैम्पू कंट्रोल नहीं कर सकता है। बट दिस अ वेरी गुड ब्रांड एंड वेरी गुड शैम्पू, यू कैन ट्राई इट। माई अनदर प्रोडक्ट द सेम रेंज फ्रॉम ओले माइक्रोस्कल्टिंग सीरम है ये। दिस इज अ अनदर गुड प्रोडक्ट फॉर ऑल स्किन टाइप्स, यू कैन यूज इट इफ यू हैव ऑयली स्किन, ड्राई स्किन, नॉर्मल स्किन, बट डोंट यूज़, मैं इसे कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगी कोई ऑयली एक्ने प्रोन्स जो स्किन है। स्पेशली एक्ने स्किन में कोई भी माइक्रोस्कल्टिंग का रेंज का कोई प्रोडक्ट मैं सजेस्ट नहीं करूँगी। मिक्स स्किन टाइप्स का जो है डे में नाइट में ये वाला सीरम बहुत ही हाईली रिकमेंडेड है, बहुत ही इफेक्टिव है, स्किन को बहुत सूथ करती है, आई मीन सूदिंग एंड स्मूथ एक इफेक्ट देती है और सॉफ्ट भी बनाती है। मैं कभी कभी क्रीम स्किप कर देती थी बहुत गर्मी के दिन में, एसी में भी मुझे बहुत ही ऑयल होती थी, इसलिए मैं सिर्फ सिरम यूज़ करती थी कि लगता था कोई हाइड्रेटेड क्रीम यूज़ की थी मैंने। तो दिस इज़ अ हाईली रिकमेंडेड प्रोडक्ट। इसकी भी प्राइस सेम है 1699, ये भी मुझे 1300 अराउंड मिली थी। 50 ml के प्रोडक्ट है, इट्स अ हाईली रिकमेंडेड प्रोडक्ट फॉर ऑल स्किन टाइप्स। Another good compact from Lakme Sun Expert SPF 40 Triple Plus UVA UVB Ultra Matte Collection Non-Stick Sun Protection। आप अगर इसे यूज़ करोगे तो डे में आप घर में रहो, कोई लाइट सा SPF क्रीम, डे क्रीम अगर यूज़ करो उसके ऊपर ये लगाओ तो और कोई सनस्क्रीन की ऐसा ज़रूरत नहीं होगी। बिकॉज इट्स अ वेरी लॉन्ग लास्टिंग मैटिफाइंग सनस्क्रीन वाला जो कॉम्पैक्ट होती है, मैं इसे हाईली रिकमेंड करूँगी। एफोर्डेबल है, काफ़ी सारे डील मिलती है अमेजन नायका में, एवरीवेयर यू कैन सर्च। एंड ये मेरा फोर्थ या फिफ्थ टाइम मैं परचेस कर रही हूँ जब से ये लॉन्च हुई है। आई एम यूजिंग दिस अ वेरी 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 गुड मैटिफाइंग सनस्क्रीन फॉर ऑल स्किन टाइप, स्पेशली फॉर डे टाइम यूज़ कर चुकी हूँ मैं पूरा। इसका पैकेजिंग भी बहुत अच्छा है, बेटर दैन सुपर फ्रेश फ्रॉम कॉम्पैक्ट। इसकी ये इसका जो लीड है, जो मिरर है, ये निकलता नहीं है, ट्रैवल फ्रेंडली है, बहुत ही अच्छी है, यू कैन ट्राई इट वंस। अनदर प्रोडक्ट इज़ फ्रॉम VLCC, दिस अ रोज वाटर टोनर, सर नॉर्मल रोज़ वाटर टोनर है, नथिंग स्पेशल इन इट। बस इसका फ्रेग्रेंस मुझे बहुत अच्छा लगा, 150 rupees का है, डिस्काउंट में मिलता है, रोज़ का क्वांटिटी है डियर 100 ml, और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है डेफिनेटली। एंड ये टू इन वन, इसके मैं इसे टू इन वन वेज में यूज़ कर चुकी हूँ एक्चुअली। माइशला वाटर से मैं अपना जो मेकअप है रिमूव करती हूँ, बट फेस का और भी थोड़ा रेस्ट्यू रह जाता है, तो मैं उसे एक बार इस टोनर से क्लीन अप करती हूँ, फिर फेस वॉश करके एज ए टोनर भी मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ। तो ये मेरा सेकेंड बोटल था, मैं बहुत दिन पहले वंस एक बार ख़रीदी थी तो मुझे अच्छा लगा था, इसलिए मैं इसे रिपर्चेस की। तो मैं भी इसे आपको रिकमेंड करूँगी, आप अगर एफोर्डेबल कुछ अच्छा ब्रांड का रोज़ वाटर एज ए क्लिनजर, एज ए टोनर यूज़ करना चाहते हो तो प्लीज़ गो फॉर इट, यू कैन ट्राई इट, इज़ अ वेरी हाईली रिकमेंडेड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बना चुकी हूँ, इस वेरी 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 गुड शैम्पू, डेफिनेटली आई विल रिपर्चेस इट अगेन एंड अगेन। और
आपका हेयर में बहुत ही डलनेस, ड्राइनेस और केमिकली रिबॉन्डेड हेयर है, चाहे आपका कलर ट्रीटेड हेयर हो, आप अगर कोई अच्छा सा शैम्पू नया ट्राई करना चाहते हो तो प्लीज़ डियर गो फॉर इट. वंस आप इसे रिपर्चेस करोगे, नॉट ओनली फॉर दिस फ्रेग्रेंस, नॉट ओनली द सॉफ्टनिंग इफेक्ट, इट्स अ वेरी जेंटल ऑल्सो एंड डीपली क्लीन करती है आपके हेयर एंड स्कैल्प को, कोई भी हेयर फॉल नहीं होती है. मेरा हेयर फॉल जो होती थी ये शैम्पू यूज़ करने के बाद वो बंद हो गई है, बंद हो गई थी. आई मीन अभी तो ये ख़त्म हो गया, मैं दूसरा शैम्पू यूज़ कर रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि हेयर फॉल अगेन स्टार्ट हो गया है, तो मैं नेक्स्ट मंथ इसे ज़रूर से ज़रूर परचेस करूँगी. मैं ये अर्गन ऑयल एंड अर्गन ऑयल ऑफ मोरक्को वाला जो ब्रांड वेरिएशन है, इसे 0% कलरेंट्स एंड ग्लूटेन वाला, एंड इसमें है एलोए सी केल्प एंड एंटी ऑक्सीडेंट, 400 ml की है. इसका प्राइस है 600, बट मुझे ये 450 या 500 में मिली थी. हेयर फॉल के लिए और हेयर सॉफ्ट अगर कुछ करना है आपको, ऐसा वाला शैम्पू आप अगर ढूंढ रहे हो तो प्लीज़ आप एक बार ट्राई कर सकते हो. दिस इज़ फ्रॉम द हर्बल एसेंसेस ब्रांड, ये नायका में अवेलेबल है. और ऑल फीमेल आई नो, दिस अ फेमिनाइन हाइजीन प्रोडक्ट. मैं इसे इसका 12 बॉटल भी यूज़ कर चुकी हूँ. ये मेरा ट्रैवल साइज़ है, मेरे बैग में, और ट्रैवल करती हूँ जब मैं इसे लेके जाती हूँ. ये एम्प्टी हो गया है तो मुझे लगा ये भी आपके साथ शेयर करनी है, बिकॉज वी ऑल नो फेमिनाइन जो हाइजीन होती है वी हैव टू मेंटेन, स्पेशली ह्यूमिड वेदर हो, समर हो और आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. तो ये वाला प्रोडक्ट मैं बहुत दिनों से, लास्ट 2 ईयर्स मैं यूज़ कर रही हूँ. दिस अ हाईली रिकमेंडेड प्रोडक्ट, यू ऑल नो अबाउट दिस वी वॉश, कैरी इट इनसाइड योर बैग. 45 rupees की है, 2 ईयर्स इसकी शेल्फ लाइफ है और 20 ml है. और मैं फीमेल हाइजीन के ऊपर एक वीडियो बनाऊँगी, हाईली रिकमेंडेड प्रोडक्ट फॉर फीमेल हाइजीन. इट्स अ लिपस्टिक फ्रॉम कलाबर एंड इट्स ऑन द स्टेज, इसका नाम है. और इसका कलर बार का ये लिपस्टिक है 4.2 grams की. ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, पूरा ख़त्म नहीं हुआ डियर, थोड़ा सा है बट मैं इसे फेंकूँगी बिकॉज शेड इज़ वेरी गुड. मेरा लिपस्टिक का जो मेरा वीडियो है आपने अभी तक नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार जाके चेक कर लीजिए. इसे वेरी प्रिटी शेड, एक थोड़ा सा मॉविश ब्राउन न्यूट शेड है. मैं इसको इसका शेड दिख के खरीदी थी बट ये बहुत ट्रांसफ़र होती है, बहुत ही पैची टाइप का हो जाती है, इतना क्रीम होती है ना, बहुत ब्लीड हो जाती है. तो मैं इसे कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगी. इफ़ यू हैव ऑयली स्किन, आप अगर लॉन्ग लास्टिंग के लिए या कहीं पर पार्टी झाटी जाने के लिए अगर खरीदना चाहते हो तो तरफ से ये टोटली नो है. मैं इसे कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगी. ये वाला पर्टिकुलर कलर बार का ये वेरिएशन मैं कभी रिपर्चेस भी नहीं करूँगी. प्रोडक्ट इज़ फ्रॉम वेट एंड वाइल्ड, इट्स अ आईब्रो पेंसिल, रिट्रैक्टेबल ब्रो पेंसिल. इसे मैं डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम मर्जी हुई मेरा कोई आईब्रो पेंसिल खरीदने की, मैं इसे रिपर्चेस करूँगी. इसे आपको भी हाईली रिकमेंड करूँगी. इसे ट्राइंगल टाइप का जो होती है आईब्रो पेंसिल वो वाला है ये टोटली. इस आपको फेस देख के पता चल गया होगा. इसका देखिए अभी एक पूरा का पूरा एम्प्टी हो चुकी है, अभी ये पूरा एम्प्टी हो चुकी है. ये ऐसे ट्रायंगल टाइप का है, बहुत ही अच्छे से ब्लेंड होती है. इसके पीछे स्पूली है, स्पूली भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है. आपको अच्छे से आप इफेक्टली आप अप्लाई करोगे और स्पूली से कॉम कर दोगे तो बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग आईब्रो होती है. आपका ऑयली आईब्रो है तो इसलिए ये वाला थोड़ा सा वैक्सी है ना, तो आईब्रो होल्ड भी ज़्यादा देर तक करती है. आप इजीली रीअप्लाई भी कर सकते हो और ये बहुत डील में मिल जाती है अच्छे खासे. तो आई रियली हाईली रिकमेंडेड दिस प्रोडक्ट. और मेरा शेड था एश ब्राउन, इसका क्वांटिटी है 0.2 ग्राम. और इसका प्राइस यहाँ पे डियर मुझे दिखाई नहीं दे रही है, आई एम सॉरी. ये क्रुएल्टी फ्री है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. माई नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ फ्रॉम लोटस सनस्क्रीन. ये एक मैट सनस्क्रीन जेल टाइप का है, जेल ही है, नॉट जेल टाइप का. इट्स अ हाईली रिकमेंडेड प्रोडक्ट. और ये मैं मेरा 4th या 5th ट्यूब है बिकॉज समर में, थ्रू आउट द समर एंड मानसून, मैं डे में सिर्फ यही वाला सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ. व्हेन आई स्टे एट होम, व्हेन आई कुक एंड आई गो टू किचन, मैं मेरा बच्चे को लेकर स्कूल जाती हूँ, एवरीवेयर दिस इज़ अ वेरी 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 गुड सनस्क्रीन. इसमें SPF लेवल भी बहुत अच्छे से है, SPF 50, UVA UVB PA++, नॉर्मल टू ऑयली स्किन, मैट लुक देती है डेफिनेटली, ऑयल कंट्रोल भी करती है कुछ हद तक, और सूदिंग डेफिनेटली है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है. जो भी आपका स्किन हो, ऑयली, एक्ने प्रोन स्किन, ड्राई स्किन, नॉर्मल स्किन, यू कैन यूज़ इट.
नॉट ओवर ड्राई अगर आपका स्किन हो तो आप कोई मॉइस्चराइजर यूज़ करके फिर इसके ऊपर यूज़ कीजिए. तो लोटस का प्रोडक्ट्स को बहुत अच्छा है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होती है, वी ऑल नो. एंड ये बहुत ही इकोनॉमिकल भी है, बहुत ही अच्छे खासे डील में मिल जाती है. 100 ग्राम्स का प्रोडक्ट है और इसका प्राइस है 440. ये मुझे 390 या 400 अराउंड मिली थी. इट्स अ वेरी गुड, हाईली 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 रिकमेंडेड. हियर माय अनदर प्रोडक्ट इज फ्रॉम गार्नियर. इट्स अ ट्रैवल साइज बीबी क्रीम. यू कैन सी मैं इसे भी अच्छी तरीके से यूज़ कर लिया. तो मुझे पर्सनली गार्नियर का बीबी क्रीम पसंद नहीं है बिकॉज इट्स वेरी ऑयली टाइप. ऑयली स्किन के लिए मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगी. इसके बेटर है पॉन्ड्स का जो बीबी क्रीम, मैं हमेशा से वही यूज़ करती हूँ. एक्सपोज्ड एरिया में लगाओ, फेस में लगाओ, थोड़ा सा पफ के साथ लगाओगे, आई मीन ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ब्लेंड करोगे तो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होती है. बट ये मैं ब्यूटी ब्लेंडर से भी यूज़ करके देखी, अपने फिंगर से भी यूज़ करके देखी, थोड़ा पैची हो जाती है, बहुत ऑयल सिक्रेशन होती है, क्विक मेल्ट हो जाती है, उतना मुझे टिंट भी नहीं, कोई कवरेज भी नहीं प्रोवाइड करती है. तो मैं इसे कभी भी परचेस नहीं करूँगी. और आपका ऑयली एक्ने प्रोन स्किन है तो मैं इसे सजेस्ट नहीं करूँगी. लेकिन आपको इकोनॉमिकल, बजट फ्रेंडली, अफोर्डेबल चाहते हो एज अ बिगिनर, सो यू कैन ट्राई इट वंस. इट्स अप टू यू. इट्स 24 SPF PA ट्रिपल प्लस का है. ये विटामिन सी आलमंड एक्स्ट्रास मिनरल्स फॉर ब्राइटनिंग है. और इसका साइज है 9 ग्राम्स है. इसका शेल्फ लाइफ 2 ईयर्स है. तो ये ट्रैवल बैग में आराम से आ जाएगा. यू कैन री अप्लाई इट इफ़ यू वांट, यू कैन ट्राई इट, बट मैं इसे रिपर्चेस नहीं करूँगी. ये एक ब्यूटी ब्लेंडर है फ्रॉम द जॉर्जियो ब्रांड बोल के अमेजन से आती है. एंड टोटली रिग्रेट, इट्स अ वेरी हार्ड टाइप. आई मीन ये तो अभी जैसे कि ड्राई है, आपको लगेगा तो ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर तो हार्डी होती है डियर. मैं इसे ओवरनाइट वाटर में आकर सोक करके रखूँ ना तो नेक्स्ट मॉर्निंग में भी ऐसा ही रहता है. थोड़ा सा स्पॉन्जीनेस आती है इसमें, लेकिन कोई ह्यूज चेंजेस, तो जैसे कि नायका का जो होती है ब्यूटी ब्लेंडर, पूना स्टोर का जो होती है ब्यूटी ब्लेंडर जो मैं यूज़ करती हूँ, वो वाला ब्यूटी ब्लेंडर्स आप थोड़ा सा भी वाटर में रखो, स्क्वीज करो तो टोटली एक डबल अमाउंट होती है, ह्यूज टाइप का हो जाती है, एक टोटली स्पंज टाइप का हो जाती है. ये आप जितना भी वाटर में रख दो ना, तो कोई भी आपका ब्यूटी ब्लेंडर के हिसाब से आप कभी भी इसे यूज़ मत करना. अमेजन में मिलता है, जॉर्जियो बोल के ब्रांड है, अच्छे खासे डील में मिलती है, नायका में भी अवेलेबल है. कभी भी इसे मैं तो रिपर्चेस नहीं करूँगी, मैं इसे रिकमेंड में नहीं करूँगी.